सबसे पहले बेसिक्स से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. क्लियर? बेसिक, सबसे पहले हमारा जो बेसिक होता है डायरेक्शन सेंस का, वो होता है कि डायरेक्शन. हमारे पास फोर डायरेक्शंस होती है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट. ये चार डायरेक्शन है. उसके बाद हमें ये पता है कि हमारा जो सनराइज होता है वो ईस्ट में होता है और जो सनसेट होता है वो वेस्ट में होता है. क्लियर? अब हमें आ रहा कॉन्सेप्ट है शेडो कॉन्सेप्ट. तो अगर हमारे पास एक पर्सन है और मॉर्निंग का टाइम है या सनराइज का टाइम है, मींस हमारा सन ईस्ट में है, तो हमें पता करना है कि इस पर्सन की शेडो कहां पे बनेगी. या सनसेट का टाइम है, इवनिंग का टाइम है, तो उस समय इस पर्सन की शेडो कहां पे बनेगी. तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, पहले इनको क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे. ओके, मूव करते हैं. सबसे पहला जो पॉइंट है हमारे पास वो है सनराइज. सनराइज मतलब मॉर्निंग का टाइम, मींस बिफोर 12 o'clock. 12 o'clock से पहले जो भी टाइम होता है, बिफोर 12 o'clock, 12 बजे से पहले का जो भी टाइम होता है वो सनराइज वाले रीजन में आता है. ठीक है? अगर सनराइज की बात कर रहे हैं तो हमें पता है कि हमारा सन कहां पे होगा, ईस्ट में. हमारा सन कहां पे होगा, ईस्ट में. अब उस समय अगर ये कोई पर्सन है, ये एक पर्सन है, मॉर्निंग का टाइम है, हमसे पूछा जा रहा है कि अगर सन ईस्ट में है तो इस पर्सन की शेडो कहां पे बनेगी, तो इस पर्सन की शेडो बनेगी टुवर्ड्स वेस्ट. अगर सनराइज का टाइम है, 12 बजे से पहले का टाइम है, तो इस पर्सन की शेडो जो बनेगी वो वेस्ट में, वेस्ट की ओर बनेगी, क्योंकि हमारा सन कहां पे होता है, ईस्ट में, और पर्सन की शेडो बनती है वेस्ट में. आई होप ये क्लियर होगा पॉइंट. मूव करते हैं सेकंड पॉइंट पे. सेकंड पॉइंट आता है सनसेट का. सनसेट का टाइम मतलब इवनिंग का टाइम और आफ्टर 12 o'clock. 12 बजे के बाद का जो टाइम होता है ना, वो सनसेट के रीजन में आता है, इवनिंग. क्लियर? उस समय हमारा सन होता है इवनिंग के टाइम पे या सनसेट के टाइम पे, उस समय हमारा सन होता है वेस्ट में. अगर यहां पे एक पर्सन है, अब हमसे कहा जाए कि इसकी शेडो कहां पे बनेगी, अगर सन वेस्ट में है तो इस पर्सन की शेडो टुवर्ड्स बनेगी ईस्ट. इस पर्सन की शेडो टुवर्ड्स होगी ईस्ट. क्लियर? सनसेट मींस इवनिंग का टाइम या आफ्टर 12 o'clock, मतलब जब तक सनसेट नहीं होते हैं तब तक से लेके 12 बजे तक के बाद का जो टाइम होता है वो हमारा किस रीजन में आता है, सनसेट वाले रीजन में आता है. तो उस समय हमारा सन होता है वेस्ट में और पर्सन की शेडो बनती है ईस्ट में. एक क्लियर कर लेते हैं एक बार फिर से. मॉर्निंग का टाइम है, सन ईस्ट में है, शेडो बनेगी वेस्ट में पर्सन की. क्लियर? दूसरा है सनसेट का टाइम है, पर्सन सन है वेस्ट में और पर्सन की शेडो बनेगी ईस्ट में. आई होप क्लियर हो गया होगा ये पॉइंट. मूव करते हैं अपने थर्ड पॉइंट पे. कई बार हमसे ये भी पूछ लिया जाता है कि एग्जैक्ट 12 o'clock, 12 o'clock पे, मींस जो नून टाइम, नून 12 बजे का जो टाइम होता है, उस समय इस पर्सन की शेडो कहां पे बनेगी. देखिए, जिस समय 12 बजे का टाइम है, एग्जैक्ट 12 बजे होते हैं, उस समय जो सन होता है वो जस्ट हमारे हेड के ऊपर है, सन जस्ट हमारे हेड के ऊपर होता है, तो उस समय पर्सन की शेडो नहीं बनती है. नो शेडो, कोई भी शेडो उस समय नहीं बनती है. आई होप क्लियर हो गया होगा ये पॉइंट. कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा. अगर ये बेसिक तीनों पॉइंट्स क्लियर होंगे तो क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी. अब मूव करते हैं अपने क्वेश्चंस पे. सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन, ओके,
देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे, उसके बाद एक प्रोफॉर्मा ड्रॉ करेंगे, क्लियर। सबसे पहले कहा गया है कि वन इवनिंग बिफोर सनसेट रेखा एंड हेमा वर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस। इफ हेमा शेडो वॉज एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ हेमा, विच डायरेक्शन वॉज रेखा फेसिंग। देखिए, सबसे पहले कहा गया है वन इवनिंग, अगर इवनिंग का टाइम है तो अब आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि हमारा सन कहां पे होगा, वेस्ट में, सन हमारा वेस्ट में होगा, और जो पर्सन की शेडो बन रही होगी वो हमारी बन रही होगी ईस्ट में, क्लियर। अगर सन वेस्ट में है तो शेडो बनेगी ईस्ट में, इतनी चीज क्लियर हो गई। अब कह रहा है, उसके बाद एक पॉइंट और ध्यान देने वाला होता है, कई बार हमें समझ में नहीं आता है कि रेखा है या हेमा है या एक्सेक्ट कुछ भी, कोई भी पर्सन का नेम है, वो दो पर्सन है, अब उनको हमें कहां पे रखना है, कौन से डायरेक्शन में हमें रखना है, वेस्ट में रखें, ईस्ट में रखें, नॉर्थ में रखें या साउथ में रखें, कहां पे उनको रखना है, हमको समझ में नहीं आता है। तो देखिए, यहां पे एक पॉइंट क्लियर कर लीजिएगा, यहां पे बोला जाता है कि इफ हेमा शेडो वाज एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ हेमा, कई बार क्वेश्चंस में दिया होगा राइट, कभी दिया होगा लेफ्ट, कभी दिया होगा फ्रंट या कभी दिया होगा बिहाइंड। अगर आपके पास राइट और लेफ्ट आएगा तो हमेशा जो दो पर्सन होंगे वो नॉर्थ और साउथ की डायरेक्शन में होंगे, और अगर आपके पास आएगा फ्रंट या बिहाइंड तो दो पर्सन कौन से साइड में होंगे, वेस्ट और ईस्ट की डायरेक्शन में होंगे। आई होप क्लियर होगा यह पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझ लीजिएगा। एक बार फिर से समझा रही हूं, वन इवनिंग, इवनिंग के अकॉर्डिंग अपना प्रोफार्मा ड्रॉ कीजिए, साइड्स बना लीजिए कि कहां पे सन राइज हो रहा हो, कहां पे सन होगा, कहां पे उसकी शेडो बनेगी। उसके बाद आपका जो पॉइंट ध्यान देने वाला है वो इस राइट और लेफ्ट को है, कि राइट और लेफ्ट वाली पोजीशन में है या फ्रंट और बिहाइंड वाली में है। अगर राइट और लेफ्ट में है मींस नॉर्थ और साउथ की साइड होंगे। अब आपको देखना है कि जैसे बोला जा रहा है कि रेखा एंड हेमा वर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस, मींस दोनों का फेस एक दूसरे के आमने सामने है, तो ये उनका फेस हो गया, क्लियर। अब हमें समझ में आ रहा है कि एक पर्सन साउथ में देख रहा है और एक पर्सन नॉर्थ की साइड देख रहा है, क्लियर यहां तक। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोलता है, कह रहा है कि इफ हेमा शेडो वाज एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ हेमा। देखिए एक चीज और, जो पर्सन नॉर्थ साइड में देख रहा होगा उसका राइट होगा ये और लेफ्ट होगा ये, ये तो ऑलरेडी डायरेक्शन एंड डिस्टेंस वाले टॉपिक में आप देख चुके होंगे, आपको पता ही होगा कि जो पर्सन नॉर्थ देख रहा है, अगर हम नॉर्थ साइड में देख रहे हैं, हमारा फेस इस साइड में है, तो हमारा राइट ये होगा लेफ्ट ये होगा, और जो पर्सन साउथ साइड में देख रहा है मींस इस तरह के से उसका फेस है, तो उसका लेफ्ट क्या होगा, ये होगा और राइट ये होगा, क्लियर। आई होप क्लियर हो गया ये पॉइंट। अब कह रहा है कि हेमा का जो शेडो है वॉज एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ हेमा, मतलब जो हेमा का शेडो बन रहा है वो हेमा के राइट में बन रहा है, मतलब देखिए ये जो शेडो है वो इस साइड है, हेमा का जो राइट है उसी साइड में शेडो भी बन रही है, तो इसका मतलब ये पर्सन कौन होगा, हेमा, हेमा के राइट में ही तो शेडो बन रही है, हेमा के राइट में ही तो शेडो बन रही है। हेमा अगर नॉर्थ साइड में जब देख रही होगी तभी तो उसका शेडो वाला साइड राइट होगा, क्लियर। तो ये हेमा हो गई और सेकंड वन कौन हो गया, रेखा। तो जो पर्सन नॉर्थ में देख रहा है वो होगी हेमा और जो पर्सन साउथ में देख रही है वो होगी रेखा। अब हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है कि विच डायरेक्शन वॉज रेखा फेसिंग, तो रेखा किस तरह, रेखा का फेस किस साइड में है, रेखा का फेस साउथ में है, टुवर्ड्स साउथ, क्लियर। एक बार फिर से समझ लीजिए, एक बार फिर से समझ लीजिएगा, कह रहा है कि वन इवनिंग मींस इवनिंग का टाइम है, सन आपका वेस्ट में होगा और शेडो पर्सन की बनेगी ईस्ट में, आपने प्रोफार्मा ड्रॉ कर लिया। अब आपसे बोला जा रहा है कि रेखा एंड हेमा वर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस, तो हमने ये पर्सन बना लिए दो जिनका फेस आमने सामने कर दिया।
अब आपसे कहा जा रहा है कि हेमा का शेडो वॉज एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ हेमा, जो हेमा का शेडो बन रहा है वो हेमा के ही राइट में है, मीन्स जहां पे शेडो बन रहा होगा वहीं पे हेमा का राइट होना चाहिए। तो जो पर्सन नॉर्थ में देख रहा होगा उसी का राइट होगा शेडो के साइड में, तो इसका मतलब जो पर्सन नॉर्थ में देख रहा है वो कौन है? हेमा। जो पर्सन नॉर्थ में देख रहा है उसका राइट साइड शेडो वाले साइड में है, तो इसका मतलब ये हो गई हेमा। और जो पर्सन साउथ में देख रहा है वो हो गई रेखा। और हमसे पूछा भी यही गया है कि विच डायरेक्शन वॉज रेखा फेसिंग, रेखा किस साइड में देख रही है, तो रेखा का फेस जो है वो साउथ साइड में है। सो आंसर हो जाएगा बी। आई होप क्लियर हो गया होगा, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी आपको। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, वन मॉर्निंग आफ्टर सनराइज नंदिता एंड रवि वर सिटिंग इन अ लॉन विद देयर बैक्स टुवर्ड्स ईच अदर। नंदिता'स शेडो फेल एग्जैक्टली टुवर्ड्स हर लेफ्ट हैंड साइड, विच डायरेक्शन वॉज रवि फेसिंग। देखिए सबसे पहले प्रोफार्मा ड्रॉ करेंगे, क्लियर। अब हमसे बोला गया है कि वन मॉर्निंग मींस मॉर्निंग का टाइम है, सन हमारा कहां पे होगा? ईस्ट में होगा। और शेडो कहां पे बन रही होगी? वेस्ट में बन रही होगी। अब उसके बाद हमें जो ध्यान देने वाला पॉइंट होता है कि लेफ्ट हैंड है या राइट हैंड है, तो लेफ्ट लिखा हुआ है इसका मतलब जो दोनों पर्सन होंगे वो हमारे नॉर्थ और साउथ वाली डायरेक्शन में होंगे, ये भी क्लियर हो गया। अब हमें देखना है कि वो फेस टू फेस पे है या बैक टूवर्ड्स ईच अदर है। तो हमसे कहा गया है कि नंदिता एंड रवि वर सिटिंग इन अ लॉन विद देयर बैक्स टूवर्ड्स ईच अदर। अगर बैक करके एक दूसरे के और बैठे हैं इसका मतलब इसका फेस इस साइड है और इसका फेस इस साइड है, तभी तो दोनों की बैक एक दूसरे के सामने सामने होगी, क्लियर। अगर इन दोनों की बैक का कंडीशन ऐसी दी हुई है इसका मतलब एक पर्सन नॉर्थ में देख रहा है और एक पर्सन साउथ की ओर देख रहा है, क्लियर। जो पर्सन नॉर्थ की ओर देख रहा होगा उसका राइट होगा ये और लेफ्ट होगा ये, जो पर्सन साउथ की ओर देख रहा होगा उसका लेफ्ट होगा ये और राइट होगा ये। यहां तक हमने अपना ड्रॉ कर लिया, अब देखते हैं क्या कहता है। अब हमसे कहा जा रहा है कि नंदिता'स शेडो फेल एग्जैक्टली टुवर्ड्स हर लेफ्ट हैंड साइड, मतलब नंदिता की जो शेडो बन रही है टुवर्ड्स हर लेफ्ट हैंड साइड उसके जस्ट लेफ्ट में बन रही है। देखिए जो पर्सन नॉर्थ में देख रहा होगा उसी की शेडो लेफ्ट साइड में बनेगी, जो पर्सन नॉर्थ में देख रहा होगा उसी का तो शेडो का साइड लेफ्ट साइड हो रहा है, तो इसका मतलब ये कौन हो गई? नंदिता। अगर ये नंदिता है तो सेकंड वन कौन होगा? रवि। अब हमसे पूछा क्या गया है कि विच डायरेक्शन वॉज रवि फेसिंग, डायरेक्शन में देख रहा है, तो देखिए रवि किस डायरेक्शन में देख रहा है? रवि देख रहा है साउथ में। सो आंसर हो जाएगा डी साउथ। आई होप क्लियर होगा। जो प्रॉब्लम इश्यूज जहां पे आते हैं उसको एक बार फिर से क्लियर कर लेते हैं कि आपको प्रोफार्मा ड्रॉ कर लिया, अब आपसे जब ये कहा जाता है ना कि नंदिता शेडो फॉल एग्जैक्टली टुवर्ड्स हर लेफ्ट हैंड साइड, नंदिता का जो शेडो बन रहा है वो उसी के लेफ्ट हैंड साइड में बन रहा है, तो देखिए जो पर्सन नॉर्थ में देख रहा होगा उसी का लेफ्ट हैंड साइड शेडो वाले साइड में होगा, क्लियर है। तो ये पर्सन कौन होगी? नंदिता। और जो उसके अपोजिट साइड में पर्सन है वो हो जाएगा रवि। आई होप क्लियर होगा। मूव करते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड वन है हमारे पास, वन इवनिंग बिफोर सनसेट रेखा एंड हेमा वर स्टैंडिंग फेस टू फेस, इफ शेडो ऑफ रेखा वॉज एग्जैक्टली बिहाइंड ऑफ रेखा देन विच डायरेक्शन वॉज हेमा फेसिंग। देखिए प्रोफार्मा ड्रॉ करते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट। अब आपसे कहा गया वन इवनिंग मीन्स इवनिंग का टाइम है, सन कहां होंगे? वेस्ट में होंगे, क्लियर। फिर उसके बाद हमें ये देखना है कि देखिए सेकंड पॉइंट कौन सा देखना होता है कि पर्सन कौन सी डायरेक्शन में बिठाएं, तो आपके पास यहां पे दिया है एग्जैक्टली बिहाइंड ऑफ रेखा। अब यहां पे बिहाइंड की बात आ रही है, इसका मतलब जो दो पर्सन होंगे वो हमारे कहां पे होंगे? ईस्ट और वेस्ट साइड में होंगे, क्लियर। फिर कहा गया आपसे
कि फिर से एक बार रीड करते हैं, वन इवनिंग बिफोर सनसेट रेखा एंड हेमा वर स्टैंडिंग फेस टू फेस. अब हमें तीसरी चीज क्या देखनी होती है कि उनका फेस टू फेस में है पोजीशन या बैक में है पोजीशन. तो यहाँ पे फेस टू फेस है मींस एक का फेस क्या है इस साइड में है, एक का फेस इस साइड में है. अगर इस तरह है तो एक पर्सन कहाँ देख रहा होगा, ईस्ट के साइड में, और एक पर्सन कहाँ देख रहा होगा, वेस्ट में. क्लियर? अब बोल रहा है देखिए, जब सन अगर यहां पर है वेस्ट में है तो शैडो हमारी कहां बनेगी, ईस्ट में बनेगी. क्लियर? अब हमसे कहता है कि इफ शैडो ऑफ रेखा वॉज एग्जैक्टली बिहाइंड ऑफ रेखा, जो रेखा की शैडो बन रही है वो उसके जस्ट बिहाइंड बन रही है. तो देखिए शैडो कहां बन रही है, ईस्ट साइड में. अगर ये पर्सन रेखा है तो इसकी शैडो उसी के जस्ट कहां बनेगी, बिहाइंड बन जाएगी. अगर ये पर्सन रेखा है तो उसी की तो शैडो बिहाइंड में बनेगी, इसी पर्सन की तो जस्ट बिहाइंड में बनेगी. तो ये हो गई हमारी रेखा और सेकंड वन हो गई हमारी हेमा. रेखा की शैडो वॉज एग्जैक्टली बिहाइंड ऑफ रेखा, रेखा की जो शैडो थी जस्ट उसके बिहाइंड बन रही है. तो अगर ये पर्सन रेखा होगी तभी उसी के बिहाइंड में उसकी शैडो बनेगी, क्योंकि ईस्ट वाले साइड में ही शैडो बन रही है, इवनिंग का टाइम है. क्लियर? अब हमको पूछा जा रहा है यहाँ पे विच डायरेक्शन वॉज हेमा फेसिंग. तो देखिए हेमा कौन से डायरेक्शन में फेस कर रही है, हेमा का डायरेक्शन है ईस्ट. क्लियर? आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा. फ्रंट और बिहाइंड वाला एक क्वेश्चन था कि दोनों पर्सन किस डायरेक्शन में होंगे, ईस्ट और वेस्ट में होंगे. आपसे कहा गया है कि रेखा का जो शैडो बन रहा है वो एग्जैक्टली उसी के बिहाइंड में है, तो रेखा अगर इस साइड बैठेगी तभी उसका जो शैडो होगा जस्ट उसके बिहाइंड में होगा. आई होप कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, क्लियर होगा. आंसर इसका क्या है, ईस्ट है. ओके, आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस. नेक्स्ट सेशन में कुछ और अच्छे इंटरेस्टिंग चैप्टर्स के साथ एक आएंगे. तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू.